आप सभी से नमस्कार, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं सेक्टर 12 से हम लाइव हैं हुडा कन्वेंशन सेंटर। जैसा कि आपको बता दें, आज यहां पर रोजगार मेला लगा हुआ है। प्रशासन ने सूचना जारी की थी आज रोजगार मेला लगेगा, तो यहां पर नौकरी पाने के लिए काफ़ी भीड़ है। अंदर भी चलेंगे, देखिए गाड़ियां देखकर आप समझ सकते हैं यहां पर बहुत सारे लोग आए हैं। देखिए बाइकें खड़ी हैं, कारें खड़ी है, पूरा यहां पर जमघट लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। अंदर तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, देखिए गाड़ियां ही गाड़ियां यहां पर खड़ी हैं, इसका मतलब बहुत सारे लोग आए हैं। तो हम चलेंगे अंदर और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर कंपनियाँ आई हैं, किस प्रकार से रोज़गार मिल रहा है। कुछ युवाओं से भी बातचीत करेंगे। आप लोग देख रहे हैं सायरन की आवाज़ गूंज रही है, तो यहाँ पर मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर भी आने वाले हैं। ये देखिए सायरन की आवाज़ गूंज रही है, ऐसा कहा गया था मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर मेले की अध्यक्षता करेंगे, ऐसा कहा। अभी देखिए मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और कोई और नेता आया होगा तो वो दिखाएंगे, लाइव आप देख पाएंगे। इधर दिखाते हैं, मंत्री साहब आए हैं, कृष्ण पाल गुर्जर आए हैं। आइए थोड़ा अंदर चलते हैं, अंदर से ही दिखाएंगे आपको। आप देखिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और मंत्री साहब आ गए हैं, यही उद्घाटन करेंगे रोजगार मेले का और यही अध्यक्षता भी करेंगे। यहाँ पर डीसी विक्रम यादव भी हैं, देखिए मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर का स्वागत कर रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग स्वागत कर रहे हैं। अंदर चलेंगे, अंदर भी दिखाएंगे आपको। अंदर भी दिखाएंगे आपको, बहुत सारे युवा आए हैं रोज़गार लेने के लिए। हर चीज़ आपको दिखाया जाएगा पूरा, अंदर किस प्रकार से स्टॉल लगे हैं, किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, किस प्रकार से नौकरियां दी जा रही हैं, हर चीज़ दिखाएंगे। हाँ बढ़िया, बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, देखिए महिलाएं भी हैं। ओहो, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ, तो दिखाइए जाइए थोड़ा सा। नमस्कार भाई, नमस्कार, ठीक है। देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है और लाइन में लगे हुए हैं सभी, बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप लोग देख रहे हैं। नौकरी पाने के लिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, ऐसा लगता है बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है फरीदाबाद में। और यही वजह है कि नौकरी पाने के लिए इतने ज़्यादा युवक यहाँ पर आए हुए हैं रोज़गार मेले में, सेक्टर 12 हुडा कन्वेंशन सेंटर में। यहाँ तो और ज़्यादा भीड़ है, आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। इधर देखिए लड़कियाँ भी आई हैं, लड़के भी आए हैं, हर तरह के लोग हैं, ठीक है, भीड़ ही भीड़ है यहाँ पर। आप लोग लाइव देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़ पर, आप शेयर भी करें, अगर आ सकते हैं तो आ भी जाएं। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो हो सकता है यहाँ पर आपको नौकरी मिल जाए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ भी यहाँ पर आई हुई हैं। आइए आगे चलते हैं, जब मेले का उद्घाटन होगा उसके बाद नौकरियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा क्राउड है, देख रहे हैं आप लोग बहुत ज़्यादा भीड़ है। इधर देखिए रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहा है, रजिस्ट्रेशन वगैरह इधर हो रहा है, दिखाइए, ये देखिए रजिस्ट्रेशन वगैरह इधर हो रहा है। ले रहे हैं, हाँ हाँ ले रहे हैं, टेंशन मत लो, आपका भी लेंगे। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर, लोग ही लोग दिखाई पड़ रहे हैं और फिर मंत्री साहब अब वापस मुड़ लिए हैं। देखिए आप लोग कितनी भीड़ आई हुई है, क्या कहना है, क्या कहना है, कौन हो तुम? मैं तो यहाँ पे इंटरव्यू देने आया हूँ, इंटरव्यू देने आया हूँ मैं यहाँ पे। जिस तरह ये भीड़ हो रही है उस तरह तो पहले जैसे मेला लगता था दोपहर का, तो उसमें क्या था, सारे नाम है आपका? मनीष कुमार। कहाँ से आए? मैं सेक्टर 22 फरीदाबाद से। कुछ लग रहा है क्या नौकरी मिलेगी, किसी से बातचीत हुई आपकी? बातचीत तो हुई है, रिज्यूम भी सबमिट हो गए हैं। अच्छा,
बढ़िया हो गया रिज्यूम? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ सर, क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे सर? आईटीआई और डिप्लोमा के लिए आए, मतलब डिग्री वगैरह के लिए कोई खास वो नहीं है, मतलब कई कंपनियां तो ऐसी हैं जो हेल्पर के लिए आई हैं। अधिकतर आईटीआई डिप्लोमा के लिए आई हैं, डिप्लोमा मांग कुछ भी नहीं है, डिग्री बीटेक कुछ भी नहीं है उन सबके लिए, ठीक है सर? हर कंपनी हेल्पर मांग रही है, कंपनी फ्रेशर नहीं ले रही है। एक्सपीरियंस फ्रेशर नहीं ले रहे हैं, बहुत माइनर माइनर पोस्ट के लिए आए हैं, कोई ये नहीं है। 10,000 से ऊपर कोई सैलरी देने वाला नहीं है, हाई पेड जॉब के लिए यहाँ पर नहीं है। 11-12,000 इससे ऊपर नहीं, टेक के लिए बीसीए बीबीएमसीए वालों की डिग्री का तो यहाँ पे कोई भी स्कोप नहीं है, सिर्फ आईटी ने लेबर चाहिए और कुछ भी। फरीदाबाद में तो वैसे ही ऐसी कंपनियाँ ज्यादा है, मैकेनिकल कंपनियाँ जिसमें, तो सर 10,000 तो हम वैसे भी लगा लेंगे, हमें जॉब फेयर की क्या जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं? यहाँ 10,000 तो वैसे बंदे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी आए हैं, बीटेक एमटेक वाले, कोशिश करो, हो सकता है कोई ना कोई कंपनियाँ यही करेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है। वहाँ पे बोला था क्या आता है मन की, आता है थोड़ा घना, तो उसने बोला कि ये आता है मन की, नहीं आता, उसने बोला एक साथ खड़ा हो यहाँ से, मतलब खड़े हो रहे, इतना तो हम तेरे को बोलेंगे भी नहीं, इतना आएगा ठीक है। यार टूटी बूटी के लिए बुलाया, कुछ है नहीं है सिस्टम पानी, ढूंढो ढूंढो मिलेगी, ₹8,000 दे रहे, कहा हो गए? सूरज है जी, नाम सूरज है, सूरज कहाँ से आए हो? फरीदाबाद से आए। कहाँ से आए हो? पूरा फरीदाबाद? डबुआ डबुआ। किस तरह की नौकरी चाहिए जी? अप्रेंटिसशिप मिल जाए, और यूँ कह रहे हैं गुजरात भेजेंगे ₹10,000 में, और सारा खर्चा तुम्हारा, खाना पीना तुम्हारा, खाना पीना तुम्हारा, सब कुछ हमारा। शुरुआत तो करोगे गुरु जी? शुरुआत करेंगे तो जी यहाँ से सीधे गुजरात में करेंगे शुरुआत। गुजरात में क्या दिक्कत है ये जी? दिक्कत ये है यहाँ से ₹10,000 में अपना खर्चा वर्चा बच्चे का काम पे कुछ नहीं, हमारे जेब से लग जाएंगे 5,000। शुरुआत से ही आपको अच्छी चाहिए? अच्छी नहीं चाहिए, अच्छी नहीं चाहिए जी, हमें एक जगह चाहिए, और जिसमें की जो अप्रेंटिसशिप बाद में काम करना चाहते हो? फरीदाबाद में नहीं, बढ़िया जगह मिल जाए, कोई ऐसी चीज नहीं है। आप गुजरात में भेज रहे हो, गुजरात के हिसाब से पैसे भैया। आईटीआई फिटर, फिटर से करिए, आईटीआई होल्डर हैं, टेंथ के बाद 12th भी हो रखी है, जेसीबी है, एस्कोट है, कहीं जॉब है आपकी जी? अभी कहीं नहीं है कि बेरोजगार घर पे बैठे हुए। किस तरह की नौकरी चाहिए जी? डिप्लोमा से मिल जाए कोई, करेंगे वगैरह आईटीआई नहीं, डिप्लोमा है मैकेनिकल से। है काम की चीज़ की नहीं आपके यहाँ कोई कंपनी आई है आपकी काम की? हमारे यहाँ कोई कंपनी नहीं आई है। ढूंढ लिया आपने? हाँ जी ढूंढ ली। चलो ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं इनका कहना है, जेसीबी है, एस्कोट है, बहुत बड़ी कंपनियां हैं, उनमें बहुत सारी वैकेंसी होती है, उनको तो बुलाया नहीं है, बड़ी कंपनियां नहीं है, कोई नहीं आई। पॉलीमेटर जेबीएम में कितनी बड़ी कंपनी खुली है, उसका भी कोई नहीं आया। इन कंपनियों में तो भैया एक यहाँ से नहीं, इन कंपनियों में तो आप खुद ही चले जाते हैं। चार्ट लगा रहे हैं, दस बंदे, पांच बंदे, छह बंदे उस फील्ड में चाहिए, लेकिन जो जिस बंदे फील्ड के लिए आए हैं ना, कम से कम यहाँ पे 50-50 बंदे फील्ड के लिए आए, सभी को रोजगार मिलना चाहिए ना। इस बात की ये बोल रहे हैं जेबीएम यहाँ पे नहीं है, जेबीएम का प्लांट यहाँ पे आया हुआ है, हमें अप्रेंटिस कर रहे हैं, कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं ये हमको, अप्रेंटिस पे हमको फुल फंड भी दे रहे हैं, अपना यहाँ पे गुजरात मानेसर इन प्लांटों में भेज रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खाना खर्चा सब कंपनी दे रही है हमें, जेबीएम का सबसे अच्छा लगा। ठीक है ठीक है, चलिए कोशिश कीजिए, कहीं ना कहीं हो सकता है मिल जाए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करनी पड़ती है। अधिकतर युवा कह रहे हैं कि उनके काम की नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन जिस प्रकार का रोजगार मेला यहाँ पर लगा हुआ है, अब ज्यादा नहीं करता। अरे कुछ दे भी रहे हो वगैरह, रिकॉर्ड करोगे तो सुन लो पब्लिक की। आइए थोड़ा सा इनसे बातचीत करते हैं, भैया कंपनी से आए हुए हैं, और इनसे देखते हैं किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, किस प्रकार से रोजगार दे रहे हैं, और किस प्रकार की नौकरियां इनके पास हैं, इनसे भी बातचीत कर लेंगे। कौन सी कंपनी है आपकी? पॉली मेडिकोर लिमिटेड। मेडिकल की कंपनी है? हाँ, हम मेडिकल डिवाइसेस बनाते हैं, दवाई की नहीं है, मेडिकल डिवाइसेस की है। किस तरह की नौकरियां हैं आपके पास? हमारे पास हम आईटीआई लड़के रखते हैं, जो आईटीआई हैं, बाकी
हेल्पर भी रखते हैं जो गेट से हो जाते हैं। बाकी यहाँ सैलरी दे रहे हैं आपको वर्कर को? हम मिनिमम तो हमारा हरियाणा गवर्नमेंट की जो है उसके ऊपर ही हम देते हैं, साथ में सारी फैसिलिटी है। रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहा है आपके यहाँ? कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो? अभी कितना हो गया बायोडाटा? 11 लोगों का हमने शॉर्टलिस्ट किया है, इनको टेक्निकल के लिए कॉल करेंगे। ये इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे? टेक्निकल इंटरव्यू हम लेंगे, फिर उनको हम सेलेक्ट कर देंगे। हमें ये चाहिए, हमारी ये रिक्वायरमेंट है, ये है रिक्वायरमेंट है टेक्नीशियन की, डीजी ऑपरेटर की और फिटर की, इलेक्ट्रीशियन की, ईडीएम ऑपरेटर, सीएनसी इंस्पेक्टर, ग्राइंडर मैन, बेंच मैन, टर्नर। अच्छा चलो ठीक है। कोई कांटेक्ट नंबर है आपका? हाँ मेरा कांटेक्ट नंबर है 74-28-50-26-33। चलो ठीक है, ठीक है। क्या नाम है? मनंजय कुमार सिंह। मनंजय? हाँ सिंह। ठीक है, मनंजय सिंह से बातचीत की। ऐसी कंपनियां यहाँ पर बहुत सारी आई हुई हैं, हालांकि कोई हाई पेड जॉब नहीं है। अधिकतर लोगों का कहना है कि आईटीआई डिप्लोमा वालों को ही हायर किया जा रहा है, बीटेक वालों को और हाई डिग्री जिनके पास हाईएस्ट डिग्री है, पीजीडी है और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं, उनके लिए यहाँ पर जॉब नहीं है ऐसा कहा जा रहा है। बाकी देखते हैं आगे क्या है। यहाँ मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर भी आए हुए हैं। भीड़ ज़्यादा है इसका मतलब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। यार आपसे बात हो गई मेरी, ठीक है। आप इस तरह तो आपको कोई जॉब मिलेगी भी नहीं, ठीक है। आपसे बात हो गई ना मेरी, लाइव चल रहा है ये, आपको लोग खुद ही देख रहे होंगे किस हिसाब से आप बिहेव कर रहे हो, ठीक है। लाइव आपसे बात हो गई ना मेरी, अब मैं तो नौकरी नहीं दूंगा ना आपको, मैं तो नहीं दूंगा ना भाई, मैं तो दिखा सकता हूँ भैया। मेरी सुनोगे? ये कृष्ण पाल अब तो बोल रहा है मेला लगा रहे हैं हम, कृष्ण पाल गुर्जर बोल रहा है मैं मेला लगा रहा हूँ। ये 2022 की जो चल रही है, 24 में चुनाव होना है, ये तो पूरे इंडिया को पता है, पर लेकिन कृष्ण पाल आज ये मीडिया, जो मीडिया भी बिकी पड़ी है, 5-5, 10-10 हज़ार रुपए ले आएंगे वहां से। और बड़े भैया मैं बताऊं कुछ नो है, ये सब चूतिया बनाने वाली बात है। कोई 100 रुपया के उनने बनवा के ला रहा हो, कोई 200 के ने बनवा के ला रहा हो। चलो ठीक है, ठीक है भैया, सेटिस्फाइड नहीं है, बिके पड़े हो भाई। हाँ बिल्कुल, मैं भी बिका हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात किया आपने। आपको जरूर नौकरी मिल जाएगी, जो देख रहे होंगे आपको जरूर नौकरी दे देंगे। इसी वजह से नौकरियां नहीं मिल रही कि हर कोई बिका हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो देख सकते हैं बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग जो है बदतमीज भी हैं यहाँ पर, बदतमीज लोग भी आए हुए हैं और मीडिया को बिकाऊ बता रहे। हालांकि मीडिया का काम है कि हम लोग दिखाते हैं रियलिटी, हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, लोगों की बात भी बता रहे हैं कि लोग कैसा महसूस कर रहे हैं और जॉब मिल रही है कि नहीं। भाई अगर मैं यहाँ पर इनकी बात सुना रहा हूँ तो क्या मैं बिका हुआ हूँ? नहीं नहीं, अगर मैं अगर एक अगर मैं बिका होता तो मैं यहाँ पर आता? ये नहीं नहीं आता, आपसे बात करता मैं नहीं, करते आपसे बात करता मैं नहीं, करते वो लाइव चल रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या नौकरी मिल सकती है? नहीं मिल सकती, तमीज नहीं है बोलने की। जो मीडिया दिखा रहा है उसकी बात उसी को बिका हुआ बता, उसी को बिका हुआ, वो गलत है कि नहीं? ये गलत है, गलत है, बहुत गलत। धन्यवाद। तो दोस्तों यहाँ पर अच्छे लड़के भी हैं जो मीडिया का सपोर्ट भी कर रहे हैं, जो भी होगा हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। युवा रोजगार मेले के बारे में क्या बात कर रहे हैं, उनको नौकरी मिल रही कि नहीं, जो जॉब सीकर्स हैं, जो जॉब प्रोवाइडर हैं, उनसे भी हमने बातचीत की। तो पूरा माहौल हमने आपको दिखा दिया, यहाँ पर कितने लोग आए हुए हैं हमने आपको दिखा दिया। भीड़ में रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम करते हैं भाई, हम आपकी बात दिखा रहे हैं। हम गलत है कि सही है? सही कह रहे हो आप, अगर हम यहाँ पर आए हैं आपकी बात दिखा रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? सही कर रहे हैं, दिखानी। धन्यवाद आपका, धन्यवाद, धन्यवाद। तो दोस्तों हमने आपको पूरा लाइव दिखाया है, यहाँ पर लड़कों से भी बातचीत की। वहाँ देखो, वहाँ जाओ, हर जगह जाओ, अपनी रिज्यूम दिखाओ, कोई ना कोई ले लेगा आपको। इसको सही से रखो, मोड़ो मत, ठीक। अपने रिज्यूमे का तो सम्मान करो आप भाई साहब। हाँ ठीक, मिली जॉब? मिल गई जॉब? नहीं मिली, मोड़ो जो मिलेगी इतनी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आइए थोड़ा नीचे का माहौल दिखाते हैं। हाँ ठीक है, अच्छा इंटरव्यू दो, नौकरी जरूर मिल जाएगी। आईटीआई करने के बाद भी एक्सपीरियंस पहले चाहिए, बताओ। अच्छा, एक्सपीरियंस घर से लेके आ रहे हैं वो अपने। तो दोस्तों देख रहे हैं अधिकतर जो युवा हैं
करीब 60% अनसेटिस्फाइड है यहाँ पर। खैर देखते हैं कितने लोगों को रोज़गार मिलता है, अगर नंबर हमें दिया जाएगा तो हम वो भी दिखाएंगे कि कितने लोगों को रोज़गार मिला, किस तरह का रोज़गार मिला। हमारा काम है दिखाना और आपका काम है देखना, और सरकार का काम है नौकरियां देना। अब देखते हैं कौन अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाता है। हमने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी यहाँ की रिपोर्टिंग दिखाकर। बाकी आप देखिए, शेयर भी कीजिए ताकि सरकार अगर कुछ कमी रह गई है रोज़गार मेले में तो उसको सुधार करे, और इसमें और भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं फरीदाबाद में उनको भी बुलाया जाए और इनको मन चाहे नौकरी यहां पर मिल सके। हमारा तो यही उद्देश्य है वीडियो दिखाने का। बाकी फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।